हाय गाइस, सो वेलकम बैक टू योर चैनल। आई होप यू गाइस डूइंग वेरी वेल। आज की जो हमारी जर्नी होने वाली है वो होने वाली है मुंबई से लेकर रत्नागिरी राजापुर के लिए। बस जर्नी होने वाली, ट्रेन जर्नी, बिकॉज ट्रेन की टिकट ही नहीं मिली। रत्नागिरी क्यों जा रहे हैं? बिकॉज ऑफ मैंगो किले, सिर्फ मैंगो किले हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं। तो काफी मजा आएगा इस जर्नी में, आप लोग एंजॉय करो। तो ये हमारी बस आ चुकी है, तानवी ट्रैवल्स की बस मैंने बुक किया है। सीटर बस, मतलब नॉन एसी सीटर बस। ट्रैवल में घूम घूम के ना पैसे खत्म हो गए, तो भी क्या नॉन एसी में ट्रैवल करना। और इस बार ना सीजन का टाइम है, अभी सीजन के टाइम में ना बस के प्राइसेस भी आई है, ट्रेन की टिकट तो मिल ही नहीं रही है। जाना जरूरी है, बिकॉज एक जन मेरा इंतजार कर रहा है। तो आज का डेट मुझे सिलेक्ट करना है, तो मतलब जो मिल रही है एटलीस्ट बुक करो, यहाँ से निकलो। सीट नंबर 13, विंडो सेट। जो मेरी बस थी वो थी 7:40 की मुंबई से सायन, मुंबई सायन से टाइम से पहले ही बोर्डिंग 7:39। एंड ये मेरे को कल पहुंचाने वाली है मॉर्निंग में रत्नागिरी राजापुर 6:30। ये नहीं, काफी सारी बस चलती है रत्नागिरी राजापुर के लिए। तो आप देख सकते हो अपने अकॉर्डिंग एसी नॉन एसी, मेरे को तो रिजनेबल प्राइस में चाहिए था, तो मेरे को ये बस मिली। ट्रैवल जर्नी इंजॉय करो, आगे और डिटेलिंग बात करें कितना डिस्टेंस हम कवर करने वाले। आप लोगों को बता दूं इस बस की टोटल जो कैपेसिटी है इसमें 48 लोग बैठ सकते हैं। ऑनलाइन भी बुकिंग करा सकते हो रेड बस के एप्लीकेशन से, या आप लोग आके टिकट ले भी सकते हो काउंटर। दिस इज चेंबूर रिलायंस डिजिटल। पहला हॉल्ट आया है चेंबूर में, चेंबूर में भी बोर्डिंग होगी। जिनका स्टॉप अगर जो चेंबूर से चढ़ना चाहता है चेंबूर से भी चढ़ सकते हो। चेंबूर के बाद इसका सेकंड स्टॉप जो आएगा वो आएगा वाशी, वाशी में रुके। अगर वाशी से हो तो आप लोग वाशी में बैठ सकते हो। फाइनली आप पहुंचे सेकंड हॉल्ट पे, वाशी पाम बीच रोड। वाशी पहुंच चुके, वाशी पहुंचाने का जो टाइम था इसका 8:35 का, लेकिन पहुंचाई है 8:28। वाशी का थर्ड हॉल्ट आएगा इसका जूही नगर, वहाँ पे 8:45 को पहुंचाई। फाइनली आप पहुंचे पनवेल। सेम मुझे राजापुर से मिल गए हैं राकेश, राकेश नाम है। कमलू की कब से बातचीत चल रही थी। राकेश जी आप कब से चला रहे हैं? 10 साल हो गए। 10 साल, 10 साल से चला रहे हो। और राकेश जी भी राजापुर से ही है। तो अभी हम लोग पनवेल पेट्रोल पंप पे हैं, डीजल भराने के लिए गाड़ी रुकी है। सारे बोर्डिंग पॉइंट हो चुके हैं, यहाँ से डीजल भरा के अब सीधा निकलेंगे। लंच वगैरह के लिए बस एक बार रुकेगी। ये रहा पनवेल हाईवे और यहाँ है पेट्रोल पंप। गार्डन्स वगैरह भी हैं पेट्रोल पंप के साइड में, और यहाँ पे कुछ रेस्टोरेंट्स भी हैं, लेकिन सारे बंद हुए पड़े। राइट नाउ इज 9:37। तो हम कवर करने वाले हैं 457 किलोमीटर तक का डिस्टेंस, और ये पूरा डिस्टेंस कवर होगा 13 hours 50 minutes के अंदर। मतलब आप 14 hours पकड़ के चलो, आगे पीछे हो सकता है बिकॉज ऑफ ट्रैफिक एंड रोड कंडीशन के ऊपर। तो चलो आप लोग को मैं इस बस के फैसिलिटी के बारे में बता देता हूँ कि क्या क्या इसमें एडवांटेजेस है। सबसे पहले ये दो लाइट मिलती है, ये चालू नहीं हो रही है, आई थिंक वहाँ से बंद करके रखा होगा। धूप के प्रोडक्शन के लिए आपको आपको कर्टन्स मिलता है। जैसे कि ये सीट है, आप सीट को पूरा एडजस्ट कर सकते हो बटन दबा के। एडजस्टेबल सीट है, प्लग पॉइंट आपको मिल जाएगा यहाँ पे एकदम नीचे है पैर के पास में। खाना खाने के लिए रुकाया गया है ढाबे पे, तो चलो कुछ खाना वगैरह खाया जाए। लगेज ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे, अपने लगेज रख सकते हो। होटल जय अम्बे पे रोका गया है, यहाँ पे कुछ देखते हैं खाने के लिए कुछ मिलता है तो खाना वगैरह खाएं। चिकन फ्राइड राइस का ऑर्डर दिया था। मेन क्या है, ट्रैवल में अकेले रहो ना, समझ में नहीं आता है क्या चीज़ लें। बेस्ट है कि या तो खिचड़ी खा लो या तो ऐसे फ्राइड राइस वगैरह खा लो। डिनर वगैरह करके हो गया, पानी अच्छा खासा प्यास लगा था यार, लेकिन क्या ऐसी ठंडी बॉटल उसने दे दिया ना कि एकदम दांतों को लग रहा है वो पानी। गरम अच्छा खासा यार, मैं सोचा यहाँ पे एटलीस्ट थोड़ा ठंडा होगा, लेकिन वैसे कुछ चेंजेस नहीं। मुंबई गोवा हाईवे और यहाँ है ढाबा। राइट नाउ टाइम हो रहा है 10:45। बस चल चुकी है एग्जैक्टली 11 बजे। Thank you. Okay.
राजापुर चला, राजापुर फाइनली आ पहुंचा राजापुर। टाइम हो रहा है राइट नाउ 7:42, पहुंचाने का टाइम था 6:40 का। थोड़ी लेट हो गए बिकॉज रात को बोल रहे थे कि ट्रैफिक काफी मिल गई थी। हेलो फुल